भाजपा के प्रवक्ता द्वारा छत्रपति शिवाजी महाराज के खिलाफ अनर्गल बयानबाजी से आक्रोशित शिवसेना ने जलाया सुधांशु त्रिवेदी का पुतला। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा हिंदुओं के आराध्य छत्रपति शिवाजी महाराज के बारे में अनर्गल बयानबाजी करने से आक्रोशित शिवसेना के पदाधिकारियों ने बुधवार को दुर्ग के पटेल चौक पर सुधांशु त्रिवेदी का पुतला दहन किया। इस अवसर पर पदाधिकारियों ने कहा कि एक तरफ भाजपा हिंदुत्व और सनातन धर्म की बात करती है और दूसरी तरफ उसके प्रवक्ता हिंदुत्व का मजाक उड़ा रहे हैं। इसी कड़ी में पुतला दहन के दौरान पहुंचे कार्यकर्ताओं से मौके पर उपस्थित पुलिस कर्मियों ने पुतला छीन उन्हें पुतला को जलाने भी नहीं दिया। इस संबंध में शिवसेना के कार्यकर्ताओं ने न्यूज टीम के समक्ष अपनी प्रतिक्रिया दी है। भाजपा के उन्होंने शिवाजी महाराज के विरुद्ध कुछ ऐसे शब्दों का टिप्पणी किया कि जो हमें बर्दाश्त नहीं हुआ, उसकी वजह से हम उनका पुतला दहन करने आए। क्या मांग कर रहे हैं? हम ये चाहते हैं कि शासन से उनको कड़ी कार्रवाई की जाए, उन्हें फांसी दिया जाए जो उन्होंने बात को कहा है। मेरा जानवाला है, मैं नगर अध्यक्ष और भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता सुधांशु त्रिवेदी द्वारा दिया गया यह बेतुका बयान समझ से परे है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट।